वेलकम टू एलडीएल 11 सरप्राइज। हाँ, एलडीएल 11 अगेन। द रीजन इज वी आर डूइंग द असाइनमेंट सॉल्यूशन एज एन एक्स्ट्रा लेक्चर फॉलोअड लेक्चर एलडीएल 11 इज कॉल्ड अ डिफिकल्टी लेक्चर। लास्ट लेक्चर से पहले जो डिलीवर किया गया 11th लेक्चर था रिलेटेड टू द स्टोइकोमेट्री, ज्यादातर क्वेश्चंस जो थे वो प्रिंटेड फॉर्म में आपको दिए गए थे, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन से लेके बहुत कुछ, और बहुत से बच्चों को उसमें थोड़ी बहुत डिफिकल्टी थी, तो सोचा एक लेक्चर डिफिकल्टी के लेक्चर के तौर पर आपको डिलीवर किया जाए जो आज भेजा जा रहा है। ये लेक्चर के साथ एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, कमिंग ट्यूजडे और वेडनेसडे, एग्जैक्ट डेट आपको बाद में इन्फॉर्म कर दी जाएगी, आपकी टेस्ट है चैप्टर नंबर 1 की, जिसमें ओनली न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट लिए जाएंगे, क्योंकि हमने चैप्टर 1 अभी तक खाली न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट ही डिस्कस किए हुए। जो असाइनमेंट अभी तक दिए गए हैं रिलेटेड टू दोस असाइनमेंट, वैसे ही टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, कॉल्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा और ये क्वेश्चंस जो है वो 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, इट्स अ 30 मार्क टेस्ट, हैविंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो आपको अभी तक डिस्कस करी है हमने, पढ़ाई है। आज एक बार फिर से मैं स्टोइकोमेट्री थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं इन फॉर्म ऑफ अ गिवन असाइनमेंट। जो आपको असाइनमेंट दिया गया था उसका सॉल्यूशन मैं पूरा भेज ही रहा हूं, प्रिंटेड सॉल्यूशन। वो प्रिंटेड सॉल्यूशन के साथ साथ वही कॉन्सेप्ट मैं फिर से डिस्कस भी कर रहा हूं आपके साथ कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए टू प्रॉपर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्वेश्चन 3 जो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन है उसका एक इक्वेशन सी जो है उसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो क्या है एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन 3 जो मैंने आपको दिया है असाइनमेंट में, असाइनमेंट 11 के तौर पर, उसका क्वेश्चन 3 बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, उसमें सी रिएक्शन, क्या रिएक्शन जरा पढ़ दिए, K2Cr2O7 कॉल्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट प्लस CrSO4 अगर आप बेसिक जो आपका केमिस्ट्री है 9th का या 10th का अगर उतना स्ट्रांग है तो इसमें क्या गलती है आप अपने आप ही पहचान जाओगे। बैलेंसिंग करने से पहले ही की बात कर रहा हूं, इसमें पहले से ही प्रिंटिंग मिस्टेक है, और वो प्रिंटिंग मिस्टेक बता देता हूं यहां पर है Cr और SO4 इनके कॉम्बिनेशन से CrSO4 बनता है। अगर आपको याद हो तो वैलेंसी एक्सचेंज होती है, फॉर एग्जाम्पल ये SO4 थ्राइस क्या इंडिकेट करता है कि इट्स अ वैलेंसी ऑफ क्रोमियम, और मेरे ख्याल से आप सबको SO4 की वैलेंसी पता है, SO4 का चार्ज -2 होता है, तो अगर ये 2 होना चाहिए तो एक्सचेंज ऑफर के तौर पर ये Cr के साथ 2 होना चाहिए, मींस इट शुड बी Cr2SO4 thrice एक्सचेंज ऑफ वैलेंसीज के तौर पर। जो SO4 की वैलेंसी है वो Cr को मिलती है, Cr की जो वैलेंसी है वो SO4 को मिलती है, ये तरीके से कंपाउंड बनता है। ज़िगज़ैग या क्रिस क्रॉस मेथड सिखाई होगी 9th में, लेकिन मैंने ये कंपाउंड यहां पे लिखने में गलती कर दी है, इट शुड बी Cr2SO4 thrice। जब आप Cr के बदले Cr2 लोगे तो ये प्रॉपरली बैलेंस हो जाएगा। ट्रायल मेथड से आप इसको बेसिकली सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो एक कर लेते हैं। चलो ठीक है, इससे शुरुआत करते हैं। ऐसे एलिमेंट ढूंढो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा प्रेजेंट है इसमें, कितने क्रोम, पोटेशियम 2 ऑलरेडी पोटेशियम के बेस पर एक क्लास की भी, मतलब ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। क्रोमियम भी 2 है, यहां पर भी क्रोमियम 2 है, एरोमेटिक साइड पर भी बचा सल्फर SO4। अगर मैं बेसिकली खाली SO4 के बेस पर लूं पूरा SO4, तो यहां एक SO4 और 3 SO4, टोटल 4 SO4 है, और ये H2SO4 में खाली एक ही SO4 है, आई विल पुट 4 फॉर बैलेंसिंग। शुरुआत के पर 4 रख देते, ये 4 SO4 मैंने रख दिया SO4 को बैलेंस करने के लिए। अब जब मैंने S को बैलेंस कर दिया, S को देखो 1 और 3 S, टोटल 4 S बैलेंस हो गए। अब मेरी बारी आती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने की। पहले मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश कर लेता हूं, यहां पर
4 2 8 हाइड्रोजन, यहां पर 8 हाइड्रोजन है, यहां पर अगर मैं हाइड्रोजन को 8 करने जाऊं तो यहां पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 4H2O। अब इसके बेस पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन जरा आप चेक करो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन की बैलेंस, ऑक्सीजन कितने यहां पर 7 और 4 4 16 16 प्लस 7 टोटल 23 ऑक्सीजन क्या है, ये साइड मेरे पास कितने ऑक्सीजन है जरा चेक कर लेते हैं, 4 4 3 12 प्लस 4 वो टू में नहीं गिन रहा, ये टोटल कितने हो गए 8 प्लस 12 ये 20 यहां 23 यहां 20 कितने कम बढ़ रहे, 3 इसमें से 2 तो मेरे पास है, कैन आई से इट्स 3/2 3/2 इज 1.5 2 3 तो ये हो गए बैलेंसिंग, समझ आया क्या किया, ये 23 है ये 20 है, द डिफरेंस ऑफ 3 ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंसिंग 3 बाकी थी, सो मैंने 3/2 लिख दिया बिकॉज इट इज O2 एंड दैट्स व्हाई आई हैव टू पुट 3/4। इसको 3/2 O2 के फॉर्म में भी बैलेंस कर सकते हो, या फिर एक और है, ये जो अपॉन वाला 2 है ना उसके बदले सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये सबको, मतलब ये हो जाएगा 2K2Cr2O7, ये हो जाएगा 4 2 8H2SO4 टू गिव 2K2SO4 2Cr2SO4 thrice 4 2 8H2O plus 3O2, ये है बैलेंसिंग कंप्लीट। तो ये तरीके से आप ये रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, ये था बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शन दिए हैं, गो थ्रू इट, फिर भी कोई डाउट है कॉल कर सकते हैं डिफिकल्टी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफिकल्टी में 1 2 3 खाली बैलेंसिंग के ही है, सॉल्यूशंस भेज ही रहा हूं मैं साथ में, जरा प्रैक्टिस काम कर लेना अपने हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एज एन एलडीएल 11 असाइनमेंट 11 के सॉल्यूशन के तौर पर, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। यस क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी मोल्स, यस हाउ मेनी मोल्स, मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ऑफ N2 आर नीडेड टू प्रोड्यूस 8.2 moles ऑफ अमोनिया NH3 बाय रिएक्शन विथ हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन के साथ। अगर मैं नॉर्मली हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की रिएक्शन लिख रहा हूं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस जिसको स्टॉक योर बैंकिंग कहते हैं, N2 plus H2 gives NH3. We have to balance this reaction. N2, for this we'll put 2. 3 2s are 6 hydrogen, so we have 3. Yeh tha balancing of reaction. N2 plus 3H2 gives 2 molecules of NH3. Question paper dhyan se samjhe, how many moles of N2? Matlab N2 ko compare karna hai. Needed to produce 6.8 moles of NH3. Matlab NH3 ko compare karna hai. Question se aapko pata chal jayega ki is dono ke beech ka ye relation establish ko karna hai. N2 aur NH3 ke beech mein. रिएक्शन से हमको ये पता चल रहा है कि 1 mole ऑफ N2 कैन प्रोड्यूस 2 mole ऑफ NH3, ये 1 ये 2 ये 1 2, सिंपल 1 mole ऑफ N2 प्रोड्यूस 2 moles ऑफ NH3। क्वेश्चन समझे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ N2 नीडेड, मतलब N2 का मोल कितने होने चाहिए फॉर प्रोड्यूसिंग 8.2 moles ऑफ NH3, मतलब हमारे पास NH3 के 8.2 moles है। सिंपल यूनिटरी वाला रेशियो लिखेंगे, कौन सा रेशियो, NH3 वर्सेस N2 रेशियो, जो पहला 2 मोल्स NH3 के प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ N2, सो 8.2 मोल्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस फ्रॉम हाउ मच ऑफ N2 N2 4.1, सो वी नीड 4.1 मोल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 8.2 मोल्स NH3। मेरे ख्याल से ज्यादातर बच्चों ने सॉल्व कर भी लिया है, पर नहीं किया हो तो इसे सिंपल मेथड, रिएक्शन लिखो, बैलेंसिंग करो, काम खत्म कर दो, मोल्स अभी
मोल मोल कंपैरिजन ही है, नॉट नेसेसरी कि हर बार आप मोल्स को मास में कन्वर्ट कर लो. क्वेश्चन समझो, दे हैव आस्क्ड अबाउट मोल्स ऑफ एंडोन, सो मोल रिमेन्स इन मोल्स ओनली. मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मोल रिमेन्स इन मोल ओनली. ओके, फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. हाउ मेनी, जस्ट सॉल्यूशंस में भेज रहा हूं इसलिए वेट नहीं कर रहे फॉर कॉपी. आप खाली समझ लो क्वेश्चंस. नेक्स्ट नंबर 5 इज हाउ मेनी मोल्स, हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन ऑफ Fe कैन बी मेड फ्रॉम Fe2O3 बी द यूज Be the use of or by the use of actually. By the use of 16 mole of carbon monoxide CO in the following reaction. I love this. Following reaction मतलब आपका काम खत्म. Reaction दे दी जाती है, आपको reaction का problem नहीं है. Reaction क्या दी है, just check. Fe2O3 reacting with carbon monoxide as a reducing agent to produce Fe plus CO2. It's a reaction called reduction of Fe2O3 to carbon monoxide. Carbon monoxide एक अच्छा reducing agent है जो Fe2O3 को reduce करके Fe में convert कर देता है. Question फिर से समझे, how many moles of Fe? कहाँ है Fe? यहाँ है Fe. Made to form Fe2O3 by use of 16 mole of CO. मतलब Fe2O3 तो एक बहाना है, हमको कंपेयर करना है CO और Fe को, सिंपली. लेकिन कंपैरिजन के लिए पहले तो रिएक्शन का बैलेंस होना जरूरी है. क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? ना भाई ना. Fe2 सिमिली 2 फॉर द बैलेंसिंग ऑफ Fe. O3 प्लस 1 टोटल वी हैव 4 O. यहां 4 O करूं तो मेरे को 2 लगाने पड़े, तो दूसरा 4 O. और प्रॉब्लम हो गया कार्बन का, कार्बन 2 हो गए, कार्बन यहां 1 है, सो आई नीड टू पुट 2 ले. जैसे कार्बन को 2 कर दिया तो ऑक्सीजन अब 2 और 3 हो गए 5. प्रॉब्लम है, अब 5 ऑक्सीजन हो गए. इससे बाहर आने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे और इसको वापस निकाल दे. सो नाउ ऑक्सीजन इज 3 to the 6, Fe 2 to the 4, 4 Fe एंड पुट 4 Fe फॉर ऑक्सीजन 3 to the 6. सो फॉर 6 ऑक्सीजन नीड टू पुट 3 to the 6 प्लस 1 7. सो नाउ इट्स 3 to the 6 plus 7. For 7, you need 7/2 of oxygen. For 7 oxygen, you need 7/2. By doing so, we have 3.5 of C. C के लिए क्या कर सकते हैं? सोचो बैलेंसिंग कैसे करें, क्योंकि एक को बैलेंस करते ही दूसरा भी कर रहा है. क्या करें? एक बार फिर से करें, फिर से देखें. बैलेंसिंग ऑफ दिस रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट. बताइए क्या करें पहले? Fe को बैलेंस करें तो 2 Fe. फिर से ध्यान दो, Fe के बाद किसको बैलेंस करना चाहिए? कार्बन को, तो जो ऑलरेडी बैलेंस है. बचा कौन? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की बैलेंसिंग बहुत ट्रिकी नहीं है यहां. ये 3 और 1, 4 ऑक्सीजन है. अगर आप ये 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहते हो तो यहां पर क्या लिखेंगे? CO2 के लिए क्या लिखेंगे बैलेंसिंग के लिए? 2 है ना, तो 4 ऑक्सीजन हो गए. विच मेक्स हाउ मेनी कार्बन? 2 कार्बन. तो अगर मैं यहां पर 2 लिख रहा हूं तो ऑक्सीजन बढ़ जाएंगे, 3 plus 2 5. मतलब ये रिएक्शन के दौरान बैलेंसिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है. क्या करेंगे फॉर द बैलेंसिंग? देखो आपको एक सॉल्यूशन दिया गया है जो सॉल्यूशन 5 के तौर पर है. Fe2O3 प्लस 3CO गिव्स 2Fe प्लस 2CO2. मतलब अगर एक स्टेप लेके आपको यहां पर 3CO लगा दे और ये 3/2O2 कर दे तो बैलेंसिंग
टू टू जा फोर, टू टू कैंसल, ऑक्सीजन हो जाएंगे तीन, यहां पर तीन और तीन छह ऑक्सीजन हो जाएंगे, फॉर सिक्स ऑक्सीजन यहां पर आपको ये टू बैलेंसिंग नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये है जो गिवन रिएक्शन है उसमें गड़बड़ी है, मतलब जो Fe3O4 जो प्रिंटिंग है जरा आपके नोट्स में चेक करें, विच इज Fe2O3 प्लस 3CO टू गिव 2Fe प्लस 2CO2, जो 2CO2 यहां पर आई थिंक तुमको दिया हुआ है 2CO2, 2Fe 3CO एंड Fe2O3, चेक द बैलेंसिंग, क्या Fe बैलेंस हो गए? हाँ। क्या कार्बन बैलेंस हो गए? ना। मतलब क्वेश्चन में गड़बड़ी है, आप उसको कैंसिल कर लीजिए। रीजन, जो प्रिंटेड रिएक्शन है वो गलत है। तो पहला काम सीधे ही सॉल्यूशन के पीछे ना पड़ जाए, आपको सॉल्यूशन दिया है, इट्स अ प्रिंटेड सॉल्यूशन, लेकिन वो गड़बड़ी वाला है क्योंकि क्वेश्चन का जो रिएक्शन था इट्स नॉट गिवन इन अ प्रॉपर वे। तो ये रिएक्शन आप यहां से रिमूव कर सकते हैं, Fe2O3 वाला। ये क्वेश्चन को छोड़ के आप आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन फाइव छोड़ दे, क्वेश्चन सिक्स की और आगे बढ़ सकते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर सिक्स, जरा चेक करें। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम्स। क्वेश्चन फाइव का जो इक्वेशन है उसको हम चेंज करेंगे बाद में एक बैलेंस फॉर्म में। आज लेक्चर का जो हमारा टाइम है उसमें ज्यादातर क्वेश्चन हम कंप्लीट करना चाहते हैं जो डिफिकल्टी के फॉर्म है, इसलिए फाइव क्वेश्चन जो है अभी आप छोड़ दो। नेक्स्ट नंबर फाइव, नंबर सिक्स इज कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम, अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम प्रोड्यूस बाय, इन ग्राम प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ, कंबशन ऑफ 15 ग्राम मीथेन, 15 ग्राम मीथेन। द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज, ओके, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, CH4 plus O2 gives CO2 and H2O। बैलेंसिंग में सिखा रहा हूं, बैलेंस रिएक्शन में दिया हुआ होगा आपको, ना दिया हो तो क्या करना है। कोई भी हाइड्रोकार्बन का जो कंबशन है वो मीथेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो CO2 और H2O हमेशा प्रोड्यूस करता है, CO2 एंड H2O। फॉर बैलेंसिंग जस्ट फर्स्ट बैलेंस कार्बन, कार्बन इज ऑलरेडी इन बैलेंस फॉर्म, हाइड्रोजन बैलेंसिंग, फॉर हाइड्रोजन वी नीड 2H2, नाउ ऑक्सीजन इज 2 plus 2 4, सो इट्स 2O2, सो इट्स अ बैलेंस्ड इक्वेशन। नाउ अब फिर से क्वेश्चन पढ़े, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब ये कंपैरिजन वाटर की करनी है, इन ग्राम प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ 15 ग्राम ऑफ मीथेन, मतलब ये कंपैरिजन मीथेन की और वाटर की है। पहले तो मोल कंपैरिजन कर लो, कितने मोल है, 1 मोल, यहां पर 2 मोल, अब ग्राम पूछा है ग्राम, तो ये मोल जो है उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो, कैसे, बाय मल्टीप्लाइंग मोलर मास। मीथेन का मॉलिक्यूलर मास 16 होता है, तो ये 16 ग्राम हो गया, ये 2 मोल्स तो ऑलरेडी है, H2O का मोलर मास होता है 18, 18 = 32 ग्राम हो गया ये, सॉरी 36 ग्राम। सो अब हमारे पास एक मेथड एस्टैब्लिश हो गई, कंपैरिजन यूनिटरी मेथड के तौर पर कर सकते हैं, एक साइड लिखेंगे हम CH4, दूसरी साइड लिखेंगे H2O, मतलब कि पहले 16 ग्राम मीथेन अगर हम बर्न करते हैं वी कैन प्रोड्यूस 36 ग्राम ऑफ H2O, हमारे पास कितना मीथेन है 15 ग्राम, तो 15 ग्राम ऑफ मीथेन कैन प्रोड्यूस हाउ मच, सो इट इज 15 × 36 डिवाइड बाय 16, डू द कैंसिलेशन, आप स्मार्ट हो ये काम कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ये तरीके से क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है वो सॉल्व हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन भी आपको दिया हुआ है, नियरली 36 ग्राम, सो 15, 16 दे आर कैंसिल्ड इट। ओके, नेक्स्ट इज नंबर 7, पढ़ो बेटा, हाउ मेनी मोल्स, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन, मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, Required to produce 22 gram of carbon dioxide CO2 after combustion. Simple. Methane का combustion वाला reaction लिखो. Methane combusted in presence of oxygen to produce CO2 and H2O. Check करो comparison किसके बीच में. How many moles
ऑफ सी एच फोर, मतलब यहां रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2, मतलब यहां पर कंपैरिजन मीथेन की और कार्बन डाइऑक्साइड की है। पहले तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, एक कार्बन ऑलरेडी बैलेंस्ड, चार हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहां पर दो और दो चार। सिंपल है कि मीथेन का एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोल प्रोड्यूस करता है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ सी एच फोर रिक्वायर्ड, मतलब सी एच फोर के तो मोल्स ही फाइंड करने हैं, इसका मतलब इसको मोल में ही रहने दे रहे हैं। टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ग्राम में दिया है तो इसका जो मोल है उसको ग्राम में कन्वर्ट करना जरूरी है। CO2 का मोलर मास 44 आता है, सो ये 44 ग्राम हो गया। मतलब हमारे पास जो रेशियो है वो कुछ ये प्रकार से है। एक बार हम जो लिखेंगे CO2 वर्सेस CH4, जो फाइंड करना है वो एरो पे वो साइड लिखते हैं हमेशा। CO2 कितने ग्राम अवेलेबल है, 44 ग्राम, तब कितना मीथेन प्रोड्यूस होता है, वन मोल। जैसे मैंने कहा कि मीथेन को ग्राम में कन्वर्ट नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में भी मीथेन के मोल्स ही चाहिए, सो मीथेन रिमेन्स इन अ मोल ओनली, इट्स अ ग्राम मोल कंपैरिजन। 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय वन मोल ऑफ मीथेन, मेरे पास कितना कार्बन डाइऑक्साइड, 22। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, इट्स 1/2, मतलब 0.5 मोल्स आर रिक्वायर्ड। ये था मोल कैलकुलेशन, कितने मोल्स मीथेन गैस चाहिए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ CO2, 22 ग्राम ऑफ CO2। ये था सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। क्विकली आगे बढ़ते हैं, विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, क्वेश्चन 8 ना, What mass of calcium oxide will be obtained by heating three moles of CaCO3. What mass of CO will be obtained by heating 3 moles of CaCO3? सिंपल एक रिएक्शन लिखेंगे CaCO3 हीटेड टू कंबस्टेड टू प्रोड्यूस CaO एंड CO3, डीकंपोजिशन रिएक्शन। रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, सिंपली बैलेंस रिएक्शन में यहां पे लिखेंगे 1 मोल और CaO के भी 1 मोल, वजह है कंपैरिजन ऑफ CaO विद CaCO3। हाँ, व्हाट मास ऑफ CaO विल बी प्रोड्यूस, मतलब इसका मास बाय 3 मोल्स ऑफ CaCO3। ये 1 मोल का मतलब कितना ग्राम, सॉरी ये वन मोल ही रहने दे रहे, इसको मास में कन्वर्ट करना है क्योंकि व्हाट मास ऑफ CaO विल बी ऑब्टेन, ये मोल रहने दे रहे, वन मोल CaO को मास में कन्वर्ट करते हैं। मास मतलब उसके मोलर मास से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16, 40 प्लस 16 56, सो 1 × 56 इज 56। सिंपल हम ये कह सकते हैं कि एक साइड CaCO3 इन मोल्स है जब दूसरी साइड CaO है, तो CaCO3 वर्सेस CaO, वन मोल ऑफ CaCO3 कैन प्रोड्यूस 56 ग्राम ऑफ CaO, एंड हाउ मेनी मोल्स वी आर हैविंग, 3 मोल्स प्रोड्यूसेस हाउ मच, 3 × 56 / 1 = 168 ग्राम यू कैन हैव ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये था नंबर 8। नेक्स्ट टाइम 24, ओके, विल रिज्यूम और विल कंटिन्यू दिस लेक्चर एज अ LDL 11 सॉल्यूशन पार्ट 2 स्केड्यूल।